गुड मॉर्निंग किड्स। सो कल मैंने आपको रिवीजन टेस्ट दिया था कंप्यूटर में, तो आप सब प्रीवियसली 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ चुके हो। सो उसी से ये सारे क्वेश्चंस है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, सो कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे टेस्ट, आज मैं उसका आंसर डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन, डैश इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या लोकेटेड है? एंड द आंसर इज हार्ड डिस्क। होटल्स कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द, जो होटल्स हैं वो किसके रिकॉर्ड कंप्यूटर्स में रखते हैं? द आंसर विल बी गेस्ट्स। कंप्यूटर गिव्स डैश आफ्टर प्रोसेसिंग। जो कंप्यूटर है प्रोसेस करने के बाद क्या देता है? तो आउटपुट। डैश आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम गाना सुनते हैं और आसपास के लोग उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं? एंड द आंसर विल बी हेडफोन्स। स्पीकर से भी हम गाना सुनते हैं बट इट्स डिस्टर्ब्स होल सराउंडिंग। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो टेलीविजन की तरह दिखता है? एंड द आंसर विल बी मॉनिटर। कंप्यूटर पार्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर एनवायरनमेंट। जो कंप्यूटर का पार्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। इट्स फॉल्स बिकॉज इट्स हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। जो कंप्यूटर के पार्ट्स है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, वो हमारे नेचर को डिस्टर्ब करता है। इन स्कूल्स कंप्यूटर आर यूज टू मेक बिल्स फॉर द स्टूडेंट्स। स्कूल्स में जो कंप्यूटर है वो बच्चों के लिए बिल्स बनाने के काम आते हैं? सो इट विल बी फॉल्स। बच्चों को पढ़ाने के काम आते हैं, उनको कंप्यूटर से बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। अ माउस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिक। जो माउस है वो स्क्रीन पे पॉइंट और क्लिक करने के काम आता है। अ माउस, माउस का मतलब होता है चूहा, बट यहाँ पे उस चूहे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंप्यूटर का माउस का बात हो रहा है। जैसे चूहा है वो इधर से उधर करते रहता है, वैसे ये माउस कंप्यूटर पे इधर से उधर करते रहता है, जो जिस चीज कर्सर इधर से उधर करते रहता है और हम उसके हेल्प से क्लिक या किसी चीज को पॉइंट कर सकते हैं। इट्स अ ट्रू। स्मार्टफोन्स आर लाइक स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन आर हैंड। जो स्मार्टफोन है वो हमारे हैंड में छोटे कंप्यूटर के रूप में है। एंड इट्स ट्रू। कंप्यूटर नीड्स ह्यूमन केयर टू वर्क वेल। जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन केयर उसको चाहिए होता है अच्छे से काम करने के लिए। इट्स ट्रू बिकॉज अगर हम सही इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो गलत रिजल्ट देगा कंप्यूटर। ओके, इट्स ट्रू। मैंने ये आंसर्स डिस्कस कर दिया है, आप लोग ने जो टेस्ट दिया होगा उसको आप इससे मैच कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।